हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे एंड्रॉयड के टॉप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें हमारा टॉपिक हो डाल्विक, यानी कि जो डीवीएम होता है हमारा डाल्विक वर्चुअल मशीन रिलेटेड कौन से क्वेश्चन होते हैं एंड्रॉयड में वो देखेंगे। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन वो यह है, व्हाट इज डाल्विक। डाल्विक क्या है? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी एन एंड्रॉयड डिवाइस, सी ए वर्चुअल मशीन एंड डी एन एंड्रॉयड फ्रेमवर्क। जो हमारा डाल्विक होता है वो हमारा एक वर्चुअल मशीन होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डाल्विक इज नेम्ड आफ्टर विच प्लेस इन आइसलैंड। मतलब कि जो हमारा डाल्विक है वो नाम रखा गया इसके बाद किस, जो आइसलैंड में किस प्लेस के आधार पर रखा गया है? ए ए टाउन, बी ए रिवर, सी ए वोल्कानो एंड डी एक ग्लेशियर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो सी, यानी कि ए वोल्कानो के नाम क्या हुआ हमारा, इसका नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज टू राइट एंड्रॉयड ऐप। एंड्रॉयड ऐप बनता है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज में बनाया जाता है? वह है, चार ऑप्शन दिया है, ए जावा, बी सी प्लस प्लस, सी पाइथन एंड डी रूबी। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो ए जावा लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज बाई डाल्विक टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशन। यानी कि डाल्विक में जो भी हमारा एग्जीक्यूट किया जाता है एप्लीकेशन को, तो फॉर्मेट क्या होता है? ए डॉट डेक्स, बी डॉट जार, सी यहाँ दिया है एपीके एंड डी दिया है हमारा एक्सएमएल। तो हमारा होता है ए हो जाएगा, डॉट डेक्स फॉर्मेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डाल्विक बाइट कोड इज प्राइमरली एग्जीक्यूटेड बाई। तो हमारा डाल्विक बाइट कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है किसके द्वारा? ए फिजिकल सीपीयू, बी वर्चुअल सीपीयू, सी जीपीयू एंड डी ए डीएसपी। तो जो हमारा डाल्विक बाइट कोड होता है वो किसके द्वारा होता है यह बताना है आपको। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि हो जाएगा हमारा क्या यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा वर्चुअल सीपीयू वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बाइट कोड होता है वो वर्चुअल सीपीयू द्वारा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ डाल्विक इन मॉडर्न एंड्रॉयड वर्जन। मतलब कि जो हमारा डाल्विक का जो नेक्स्ट वर्जन है वो कौन सा है मॉडर्न वर्जन? ए ए आर टी यानी कि एंड्रॉयड रन टाइम, बी जे वी एम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन, सी ए ओ टी यानी अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन, डी जस्ट इन टाइम कंप्लीशन। तो हमारा यहाँ पे होगा डी ऑप्शन, ई ऑप्शन होगा ई, ये वाला यानी कि एंड्रॉयड रन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डाल्विक डिबग मॉनिटर सर्वर्स डी डी एम एस। यानी कि जो हमारा डी डी एम एस होता है, तो पूरा नाम होता है हमारा यहाँ पे डाल्विक डिबग मॉनिटर सर्वर, तो पर्पज क्या होता है? ए प्रोफाइलिंग एंड डिबगिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन, बी ऑप्टिमाइजिंग डाल्विक बाइट कोड, सी सिमुलेटिंग एंड्रॉयड डिवाइसेस, डी दिया है मैनेजिंग एंड्रॉयड डिवाइस ड्राइवर। यहाँ हमारा पहला ऑप्शन हो प्रोफाइलिंग एंड डिबगिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन, यानी कि जो भी एंड्रॉयड ऐप में हमारा डिबग करने का काम होता है वो डी डी एम एस सर्वर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कॉम्पोनेंट, कौन सा कॉम्पोनेंट है डाल्विक में रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग मेमोरी एंड गार्बेज। जो गार्बेज कलेक्शन और जो मेमोरी को मैनेज करने का काम डाल्विक का कौन सा कंपोनेंट करता है? ए क्लास लोडर, बी हीप मैनेजर, सी कोड यहाँ दिया है कोड कंपाइलर और डी दिया इंटरप्रेटर। हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी हीप मैनेजर। जो होता है वो क्या करता है, मेमोरी और गार्बेज का जो कलेक्शन होता है वो मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाल्विक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। मतलब डाल्विक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का कौन सा इसमें एग्जाम्पल नहीं है? ई रजिस्टर एलोकेशन, सी मेथड इनलाइनिंग, सी कोड ऑप्शन एंड डी लूप ऑन रोलिंग। तो यहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ हमारा है सी कोड ऑप्शन, जो है वो हमारा डाल्विक ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट नहीं, टेक्निक नहीं है। पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर अवेलेबल इन डाल्विक वर्चुअल मशीन। ये जो डी हमारा डीबीएम होता है उसमें सबसे ज़्यादा कितना मैक्सिमम हो सकता है जो हमारा रजिस्टर होता है,
32, सी 64, सी 128 एंड डी 256। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, 256, 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कंपाइलेशन डज डाल्विक बाई डिफॉल्ट, मतलब वो डाल्विक जो होता है हमारा वो बाई डिफॉल्ट किसका यूज करता है हमारा यहाँ पे, कौन सा कंपाइलेशन प्रोसेस। ए ओ टी यानी कि एहेड ऑफ टाइम, बी दिया है जस्ट इन टाइम यानी कि जे आई टी, सी दिया है हमारा ओ टी ए यानी कि ओवर द एयर, और डी दिया है हमारा डी वी एम यानी डाल्विक वर्चुअल मशीन। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी जस्ट इन टाइम, तो हम जे आई टी कंपाइलर बोलते हैं वो तो बाई डिफॉल्ट रन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्किटेक्चर इज यूज बाई डाल्विक फॉर एग्रीगेशन, कौन सा आर्किटेक्चर का यूज करते हैं हम डाल्विक में एग्रीगेशन के लिए। ए x86, बी ARM, सी MIPS एंड डी पावर पी। तो हमारा यहाँ पे कौन सा आर्किटेक्चर यूज होते हैं बताना है, तो हमारा होता है ARM यानी कि एंटायर रन टाइम मेमोरी। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ डाल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट, जो हमारा डेक्स फॉर्मेट होता है उसका तो पर्पज क्या होता है। ए टू स्टोर एंड डैड एप्लीकेशन रिसोर्स, बी टू स्टोर डाल्विक बाइट कोड, सी टू स्टोर कंपाइल्ड नेटिव कोड, डी टू स्टोर एक्सएमएल लेआउट। तो मतलब बताना यह है कि जो हमारा डेक्स फाइल फॉर्मेट होता है उसका तो मेन पर्पज क्या होता है ये बताना है। तो जो मेन होता है वो हमारा होता है यह, इसके द्वारा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो बाइट कोड होता है उसको क्या करते हैं मेन पर करती है। डेक्स फॉर्मेट में क्या होता है हमारा बाइट कोड जनरेट किया जाता है, रखा जाता है। क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ डाल्विक कन्वर्ट डाल्विक बाइट कोड इनटू मशीन, कौन सा इसमें है कंपोनेंट का यूज हम कन्वर्ट करने में करते हैं क्या बाइट कोड टू मशीन कोड में करने के लिए यूज किया जाता है। ए इंटरप्रेटर, बी जी आई टी कंपाइलर, सी गार्बेज कलेक्टर एंड डी डीबगर। तो हमारा इस कंडीशन में बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो तो होता है हमारा जी आई टी कंपाइलर, क्योंकि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाई लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, वहीं जो कंपाइलर होता है वो कन्वर्ट करने का करता है बाइट कोड को मशीन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच एंटायर वर्जन इंट्रोड्यूस द ट्रांजिशन फ्रॉम डाल्विक टू ए आर टी, मतलब कौन सा एंटायर का वर्जन है जो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था क्या डाल्विक से ए आर टी में। ए एंड्रॉयड 2.3 जिंजर ब्रेड, बी एंड्रॉयड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच, सी एंड्रॉयड 4.4 किटकैट एंड डी एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप। तो किस में वो किया गया था हमारा, तो चौथा है डी एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप में हमने डायरेक्ट टू एंड्रॉयड रन टाइम में क्या हुआ था ट्रांजिशन का वर्णन किया गया है, मतलब तो इंट्रोडक्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए आर टी ओवर डाल्विक, डाल्विक से ए आर टी में होने का फायदा क्या है। ए फास्टर एप्लीकेशन स्टार्टअप टाइम, बी स्मॉलर मेमोरी फुटप्रिंट, सी बेटर कंपेटेबिलिटी विथ ओल्डर डिवाइसेस, डी इम्प्रूव्ड बैटरी लाइफ, मतलब कि एंटायर रन टाइम का यूज होने का क्या फायदा है, क्योंकि इसके पहले डाल्विक का यूज किया जाता था तो उसे भी तो फायदा होता था, लेकिन ए आर टी का यूज क्यों किया गया है ये बताना है, इसका फायदा क्या है। तो हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा फास्टर एप्लीकेशन स्टार्टअप टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डाल्विक वर्चुअल मशीन बाइंडर, मतलब कि जो डीवीबीएम होता है का रोल क्या है। ए टू मैनेज वर्चुअल मशीन, मतलब कि वर्चुअल मशीन को मैनेज करने के लिए। बी हो जाएगा हमारे यहाँ पे टू ऑप्टिमाइज डाल्विक बाइट कोड, बाइट कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। सी प्रोफाइल एप्लीकेशन परफॉर्मेंस के लिए, डी टू इन्फोर्स सिक्योरिटी पॉलिसी। यह बताना है कि डीवीएम का मेन पर्पज क्या होता है, रोल क्या होता है, इसी के आधार पर करना है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए आपका हो जाएगा मैनेज मशीन इंस्टेंस, मतलब कि वर्चुअल मशीन जो होता है उसको मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे डीवीएम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डाल्विक कैसे, डाल्विक कैसे होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है। तो यहाँ पे होगा ए ऑप्शन दिया है टू स्टोर फ्रेक्वेंटली यूज डाल्विक बाइट कोड, बी दिया है टू कैसे एप्लीकेशन रिसोर्स, सी दिया है टू स्टोर नेटिव लाइब्रेरी और डी दिया है टू स्टोर एक्सएमएल लेआउट। तो डाल्विक जो कैसे होता है उसका मेन पर्पज हमारा क्या होता है इसके बाद बताना है, तो हमारा होता है ए होगा टू स्टोर
frequently used file dalvik code. Next question है, which component of dalvik is responsible for loading and initializing classes? मतलब क्लास को इनिशियलाइज और लोड करने के लिए इसमें कौन सा कंपोनेंट है जो डाल्विक का है रिस्पांसिबल है? ए क्लास लोडर, बी इंटरप्रेटर, सी हीप मैनेजर एंड डी कोड कंपाइलर. तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्लास लोडर जो होता है वो डाल्विक का ऐसा कंपोनेंट होता है जो लोडिंग और इनिशियलाइजिंग दोनों करने का काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू कन्वर्ट डार्ट जावा सोर्स फाइल टू डाल्विक बाइट कोड. कौन सा इसमें है कमांड जिसका यूज हम जावा कोड जो फाइल होता है डार्ट जावा फाइल को तो हम बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम. तो इसमें हमारा ए ऑप्शन दिया है जावा सी, बी दिया है डीएक्स, सी दिया है डाल्विक केवीएम और डी दिया है डेक्स. तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा डीएक्स. जो डीएक्स होता है हमारा उसका यूज, उस कमांड का यूज क्या करते हैं हम डार्ट जावा फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं.